नमस्कार सभी को। मध्य प्रदेश का इतिहास और इसमें कल हमने पढ़ा चंदेल वंश। चंदेल वंश की स्थापना नन्हू के द्वारा और इस वंश का प्रारंभिक प्रतापी शासक कौन? प्रारंभिक प्रतापी शासक कौन था इसका? वाक्पति। वाक्पति के दो पुत्र अपन ने पढ़े, जयशक्ति जिसे जयजाक के नाम से जाना जाता है और एक विजयशक्ति। और इस जयशक्ति के नाम से ही इस शासक इस वंश का नाम क्या पड़ा? जयजाक। क्या पड़ा? जयजाक। इनकी प्रारंभिक राजधानी खजुराहो और बाद में क्या? कालिंजय। कालिंजय क्या उसकी मुख्य राजधानी जो थी वो कालिंजय। आज हमें पढ़ना है मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश, मालवा के परमार वंश। कोई भी व्यक्ति बता दे परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक। परमार वंश का, मालवा के परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक सबको पता है, राजा भोज। राजा भोज, ठीक, बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ एक बार और बता दे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? अच्छा, बंद करो भैया। ठीक है, देखते हैं उसे। मालवा राजा भोज या भोज परमार। कल भी हमने एक भोज के बारे में पढ़ा था, क्या मिहिर भोज, और किस वंश का था ये? गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। और हम परमार वंश की बात कर रहे हैं। मालवा का परमार ये पहले किसके सामंत थे? मालवा के परमार वंश के शासक राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों के सामंत थे, ठीक। जबकि हमने चंदेलों के बारे में क्या पढ़ा है? किसके सामंत थे ये? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और ये किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तीन शक्तियां हमने पढ़ा उस समय, पाल प्रतिहार और गुज्जर, नहीं पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन शक्तियां उस समय थी। और इनके पतन के बाद में ये विभिन्न राज्यों का उदय हुआ। तो जो गुज्जर प्रतिहारों का साम्राज्य था वहां मालवा में परमार वंश का शासन स्थापित हुआ, लेकिन वो प्रतिहारों के सामंत नहीं थे। किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। अवशेषों पर बात तो उनके भी होना चाहिए, नहीं अलग है कुछ कुछ है। पहले दूसरों के अधीन काम करते थे ये, है उसके अधीन, दूसरों के अधीन काम करते थे। हम प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं। और यहाँ परमारों ने, सॉरी गुज्जर प्रतिहारों ने वहां पे शासन किया, लेकिन ये परमार वंश प्रारंभिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी किसके अधीनता स्वीकार किए हुए थे? किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत। 812 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 812 ईस्वी, राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने, यहां ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। दो शासकों के नाम पढ़ेंगे,
तो राष्ट्रकूट नरेश, गोविंद त्रति, गोविंद त्रति और प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर अब समझाए अमरदीप जी क्या कहानी हुई। देखो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद त्रति क्योंकि संघर्ष चल रहा था काय के लिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध हो रहे थे तो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद त्रति ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और उसे मालवा छीन लिया और अपना कोई प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त कर दिया और वो जो प्रतिनिधि था किस वंश का था परमार वंश का। तो नागभट्ट द्वितीय से मालवा को जीतकर अपने सामंत, अपने सामंत उपेन या कृष्णराज पराजित कर अपने सामंत उपेन अर्थात कृष्णराज को मालवा में नियुक्त किया। यही क्वेश्चन बनता है कि परमार वंश की स्थापना किसने की उपेंद्र, दूसरा नाम क्या बताया मैंने कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज कब की गई 812 ईस्वी में की गई। किसके सामंत थे ये राष्ट्रकूटों के लेकिन मालवा किसके अधीन था उससे पहले गुज्जर पे। क्लियर हो गया अभी जी। तो इस तरीके से मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज द्वारा 812 ईस्वी में की गई, 812 ईस्वी में की गई। प्रथम स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र शासक देखो उपेंद्र कृष्णराज शासक तो था लेकिन वो सामंत था मतलब राजा के अधीन राजा था लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रकूटों का भी पतन हो गया और गुज्जर प्रतिहारों का भी पतन हो गया। तो हमने पढ़ा कि अलग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई और मालवा में किसकी परमार वंश की। तो प्रथम स्वतंत्र शासक जो है वह सियक या श्रीहर्ष, सियक या श्रीहर्ष परमार, सियक या श्रीहर्ष परमार स्वतंत्र शासक। प्रथम प्रसिद्ध शासक वाक्पति मुंज, वाक्पति मुंज, वाक्पति मुंज प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था वाक्पति मुंज और 973 ईस्वी से 997 ईस्वी तक शासक, 973 ईस्वी से 997-98 ईस्वी तक इसने शासन किया और ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक भी बोल सकते हैं या इसे मालवा के परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोल सकते हैं, वास्तविक संस्थापक भी इसे बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। एक मुंज सागर झील है कहां पर है, धार जिले में, बहुत अच्छा बढ़िया। कहां पे है धार जिले में, मुंज सागर झील मांडू में, मांडू में है, धार जिले में मांडू में है और ये इसी ने बनाया, इसी के नाम पे बोला जाता है। तो मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया इसने। इसका काल
मालवा का स्वर्णकाल, मालवा का स्वर्णकाल कहलाता है। इसका जो काल है, इसका जो समय है कौन सा, 973 से 997, 98 का जो काल है ये मालवा का स्वर्णकाल कहलाता है, मालवा का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके द्वारा कलचूरी, कलचूरी वंश कहां पर, जबलपुर के त्रिपुरी के कलचूरी वंश, चालुक्य व हूणों पर विजय प्राप्त की गई, विजय प्राप्त की गई। और एक कैरेक्टर बताया था मुंज सागर, मुंज सागर कहां पर, धार मांडू में, क्या है ये मुंज सागर, झील, झील का निर्माण इसके द्वारा किया गया था। मुख्य संघर्ष इसका, मुख्य संघर्ष चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय के साथ हुआ, तैलप द्वितीय के साथ हुआ। मुख्य संघर्ष इसका चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय के साथ में हुआ। क्या कहानी है, तैलप द्वितीय, चालुक्य नरेश, चालुक्य मतलब दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, और मालवा उत्तर में आएगा, मध्य भारत में आता है, बीच में विभाजन रेखा क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। गुरु जो होते हैं ना, सच्ची शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं अपने शिष्य को, क्या बोलते थे इनके गुरु, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पार मत करना, क्या बोलते थे, गोदावरी नदी पार मत करना। भाई तुम दो बड़े राजा उस समय चालुक्य नरेश, क्या बताया, तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय, सुना आपने, तैलप द्वितीय चालुक्य नरेश, और इधर मालवा में कौन शासन कर रहा है, वाक्पति मुंज, वाक्पति मुंज। लेकिन इसका बड़ा संघर्ष है उसके साथ में, और ये बार बार उधर अधिकार करना चाहता है, वो वहां से आता है, ये इधर से, लेकिन इनके गुरु बोलते तुम गोदावरी नदी पार मत करना। और 6 बार जो है इसने, वाक्पति मुंज ने तैलप द्वितीय को पराजित किया, 6 बार पराजित किया, लेकिन अब बार 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 परेशान हो गया ये, तो इसने सोचा कि अब आर्यपाल की लड़ाई हो ही जाए, आर्यपाल की लड़ाई हो ही जाए। और उसने तो साजिश रची थी उसे अपने एरिया में बुलाने की, और ये गोदावरी नदी पार इसने की 7वीं बार में, पराजित हुआ और उसने हत्या कर दी। मतलब इसने तो 6 बार उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने हत्या कर दी। क्लियर एकदम, किसके साथ संघर्ष हुआ, वाक्पति मुंज का, तैलप द्वितीय के साथ, किस वंश का शासक है, चालुक्य वंश का। लिखेंगे वाक्पति मुंज का मुख्य संघर्ष चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय के साथ हुआ। मुंज ने 6 बार तैलप द्वितीय को परास्त किया, किंतु 7वें आक्रमण में गोदावरी नदी पार करने पर तैलप द्वितीय ने
वाक्पति मुंज को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। क्लियर है? अब ये बड़ा विद्वान शासक था, तो विद्वान शासकों की खासियत क्या होती है? दरबारी योग्य होते हैं, चापलूसी है ना, और वो सबका साथ सबका विकास वाले मार्ग पर चलते हैं, अपनी बातों को दूसरों के ऊपर थोपते नहीं है, सबके विचारों को मानते हैं, तो सारे सबके विचारों को बल मिलता है। तो विद्वान शासक होने के साथ साथ इनके दरबारियों में देखते हैं तो एक है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसके दरबारियों की बात करें हम, दरबारी और उसकी रचनाएं भी पढ़ लेते हैं। तो एक है पद्मगुप्त, पद्मगुप्त। दूसरा कोई नाम है क्या इसका? परिमल। पद्मगुप्त या परिमल, पद्मगुप्त या परिमल। और क्या रचना है इसकी? नव सहसांक चरित, नव सहसांक चरित। तो ये जो इनके दरबार में रहता था, इनके विजयों का तो उल्लेख किया है, साथ ही इनके जो उत्तराधिकारी थे, वाक्पति मुंज के उत्तराधिकारी सिंधुराज, तो सिंधुराज के विजयों का भी इसमें वर्णन है, सिंधुराज की विजयों का वर्णन है। फिर दूसरे धनंजय, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी ने, धनंजय क्या लिखा है धनंजय ने? दशरूपक, दशरूपक, धनंजय का दशरूपक बोला जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो धनंजय एक दरबारी था और उसने कौन सी रचना है? दशरूपक। फिर है धनिक, धनिक क्या है रचना अमरती धनिक की? आपकी कॉपी में लिखा होगा धनिक, यशोरूपक, यशोरूपावलोक, यशोरूपावलोक, यशोरूपावलोक। धनिक। इसके बाद में है मेरुतुंग, मेरुतुंग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। इससे ये जैन साहित्य है और इससे राजा भोज और राजा मुंज, राजा मुंज और राजा भोज के प्रशासन की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ एकदम? क्या पढ़ा हमने? मालवा के परमार वंश पढ़ रहे हैं और परमार वंश में देखा कि स्थापना किसने की? उपेंद्र कृष्णराज को मालवा का सामंत नियुक्त किया था। किसने? राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने। किसको पराजित कर? नागभट्ट द्वितीय से मालवा छीनकर। फिर प्रथम स्वतंत्र शासक सिया क्या? श्रीहर्ष परमार। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो है वाक्पति मुंज। वाक्पति मुंज 973 से 998 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके काल को मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। बड़े विद्वान एवं योग्य शासक। सबसे पहले तो इन्होंने मुंज सागर नामक एक झील का निर्माण किया था मांडू में। फिर कलचुरी वंश चालुक्य हूणों पर विजय प्राप्त की थी और चालुक्य नरेश तैलब द्वितीय से इसका लंबा संघर्ष हुआ। 6 बार इसने तैलब द्वितीय को पराजित किया, लेकिन 7वीं बार में जो है इसने गोदावरी नदी पार की और पराजित हुआ, इसे बंदी बना लिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर इसके दरबारियों की बात करें तो पद्मगुप्त या परिमल, नव सहसांक चरित, इसमें किसकी विजय का उल्लेख है?
सिद्धराज और वाकपति वंश। हाँ सिंधुराज, सिंधुराज किसकी विजयों का, सिंधुराज की विजयों का उल्लेख है। फिर धनंजय की रचना है दशरूपक, धनिक की है यशो रूपावलोक, मैरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि, ये जैन साहित्य है और इसमें राजा भोज का प्रशासन, वाकपति मुंच और राजा भोज के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद में सिंधुराज, ये भी बड़ा कम अवधि के लिए शासन किया इसमें सिंधुराज, सिंधुराज इसकी हत्या के बाद 998 में शासक बनाई और लगभग 1000 ईस्वी तक सिर्फ 2 ही वर्ष इसने शासन किया है, 2 वर्ष 998 से 1000 ईस्वी तक। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, परिमल पद्मगुप्त द्वारा रचित 900 सांख चरित में सिंधुराज की विजय का उल्लेख मिलता है। और सिंधुराज के बाद परमार वंश की बागडोर कौन संभालेगा, उसका पुत्र राजा भोज। अब हमें इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज के विषय में पढ़ना है। भोजपाल, भोजताल, भोजपुर नगर, धार नगरी, धारा नगरी, ये सब किसके द्वारा बसाई गई है, राजा भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा। एक बड़ी अच्छी कहावत है जो आप लोग सुनते आए हैं, उसे भी ठीक करेंगे, वैसे मैं हर बार ठीक करता हूं, क्या है अमरू, कहा राजा भोज कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, यही बोलते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, तुलना करते हैं ना दोनों के, दो लोगों के, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। तो राजा भोज तो हमें पता है किस वंश का है, किस वंश का है राजा भोज, परमार, ठीक जी। और गंगू का मतलब होता है गांगेय, गांगेय, ठीक। और तैलप तेली का मतलब होता है तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय, ये किस वंश का है, चालुक्य, चालुक्य वंश। अब गांगेय किस वंश का, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक, ठीक, कलचुरी, कलचुरी शासक। अब क्या है, जैसे राजा भोज इतना शक्तिशाली, इतने अधिक युद्ध जीत रहे हैं, तो इनके बस की बात नहीं है उसे पराजित करना, उसे पराजित करना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, गुट बनाते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसलिए एक उस समय कहावत थी, जब ये 40-50 युद्ध इन्होंने राजा भोज ने जीते थे, तो उस समय के दो समकालीन शासक, एक तैलप द्वितीय और एक गांगे, गांगे ये कर्ण जिसे बोलेंगे, हम पढ़ेंगे अभी, तो दोनों शासक थे। तो आम आदमी बोलेगा इन दोनों के बस की बात नहीं है, कहां राजा भोज कहां गांगे तैलप, लेकिन हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, जबकि गंगू का मतलब वहां पे क्या है, गांगे, और तेली का मतलब है तेलम। तो राजा भोज 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन है इसका, राजा भोज, राजा भोज कब से कब तक, 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया इसने। एक एक चीज हमें इसके विषय में पढ़ना है, किस किस को पराजित किया, तो कल्याणी,
कि चालुक्यों को पराजित किया, कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया, इसके समय का एक है पारिजात मंजरी, लिखेंगे ऐसे एक लाइन लिख लेंगे पारिजात मंजरी, उदय प्रशस्ति और फुलवन अभिलेख के अनुसार, फुलवन अभिलेख के अनुसार, फुलवन अभिलेख के अनुसार राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचूरी शासक गंगेदेव तेलंगाना के तैलब कुंकण के शासक शिलाहार काशीदेव कोंकण के शासक शिलाहार काशीदेव व शाकंभरी के चौहान नरेश को पराजित किया था, शाकंभरी के चौहान नरेश को पराजित किया था। चौहान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं आएंगे, उनके वंशज जो 1000 से 1055 ईस्वी के बीच में शासन कर रहे थे उनको पराजित किया था। तो ये कहां जानकारी मिलती है, तो पारिजात मंजरी अभी पढ़ेंगे किसकी रचना है, फिर उदय प्रशस्ति और फुलवन अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। राजधानी क्या थी इसकी, राजा भोज की राजधानी धारा नगरी, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले धारा नगरी इसने बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया धारा नगरी। इसकी उपाधियां देखें तो कविराज इसे बोला जाता है, कविराज व नव विक्रमादित्य इसे बोला जाता है, नव विक्रमादित्य बोला जाता है। राजा भोज ने साइक्लोपियन संघ बनाया, वो भी पढ़ेंगे अपन। हाँ सही, राजा भोज ने साइक्लोपियन बांध बनाया था। क्या बताया, लगातार युद्ध में ये उलझे रहे, लगातार युद्ध करते रहे और इससे पड़ोस के शासक क्या हो गए, एकदम परेशान हो गए, और परेशान होने से उन लोगों ने सोचा कि अब इसे पराजित करना अति आवश्यक है। तो कलचूरी नरेश, क्या नाम बताया मैंने, गंगेदेव और तेलंगाना के शासक चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय, इन लोगों ने एक संघ बनाया, इसे पराजित किया, घायल हो गए और उसके बाद में इनकी 1055 ईस्वी में मृत्यु हो गई। लिखेंगे इसे, भोज ने अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार युद्ध करके उन्हें अपमानित किया था।
कलचूरी शासक, कलचूरी शासक, कर्ण, कर्ण क्या बोलेंगे इसका दूसरा नाम क्या है कर्ण का, लक्ष्मी कर्ण, गांगे देव के बाद लक्ष्मी कर्ण। और वही चालुक्य शासक कौन था, तैलब द्वितीय, और तैलब द्वितीय के बाद में कौन, गांगेय के बाद में कौन, लक्ष्मीकर्ण, और तैलब के बाद में भीम प्रथम, भीम प्रथम, भीम प्रथम, भीम प्रथम। इसका नाम आता है जब हम महमूद गजनवी पढ़ते हैं ना तब भी इसका नाम आता है भीम प्रथम, मूल राज भीम प्रथम, क्योंकि इन्होंने महमूद गजनवी से संघर्ष किया था। तो अगली पीढ़ी की बात करें हम, तो राजा भोज के इनसे तो संघर्ष हुए गांगेय से और तैलब द्वितीय से, लेकिन बार बार युद्ध में व्यस्त रहने के कारण इनके पुत्र लक्ष्मीकर्ण और यहाँ भीम प्रथम ने एक संघ बनाया और इसमें राजा भोज पराजित हुआ और 1055 ईस्वी में मृत्यु हो गई, 1055 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आईने अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल की। अबुल फजल किसके दरबार में रहता था, अकबर के। कब की घटना है, 1055 में चल रहे हैं, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, 1605 में है? और शासक कब बने थे, 1556, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ में, 1556। तो इस बीच में अबुल फजल, इस बीच में अबुल फजल, और उसने रचना की कौन सी, आईने अकबर। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी 1055 में राजा भोज की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद देखो उसका नाम कितना फेमस था कि चार पांच पीढ़ियों के बाद में भी उसका नाम लोगों को याद, उसकी वीरता की गाथाएं लोगों को याद थी। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी राजा भोज का उल्लेख किया है, मतलब इतना कितना प्रसिद्ध शासक रहा होगा ये कि 400-500 साल बाद में भी लोग बाग उसे याद करते थे। तो लिखेंगे अबुल फजल की आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज की सभा में 500 विद्वान हुआ करते थे, 500 विद्वान हुआ करते थे, जिनमें से भास्कर भट्ट, जिनमें भास्कर भट्ट भास्कर भट्ट दूसरा क्या जो पिछली बार क्वेश्चन में पूछा था, धनंजय, धनपाल, कौन, धनपाल, धनपाल, और एक है दामोदर मिश्र, दामोदर मिश्र। धनपाल का क्या क्वेश्चन बना था, जैन, किस शासक ने जैन धर्म अपना लिया था, किस दरबारी ने, दरबारी जैन धर्म अपना लिया था,
धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बना था। साथ ही इसकी रचना है तिलक मंजरी, धनपाल, तिलक मंजरी, तिलक मंजरी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था धनपाल की, नहीं राजा भोज की पत्नी लीलावती, है ना, लीलावती भी एक नाम है इसमें, उसकी विद्वान में लीलावती भी एक नाम है, चौथा नाम लीलावती का लिखेंगे। तो धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की। भास्कर भट्ट की बात करें तो इसे विद्यापति की उपाधि दी थी, विद्यापति की उपाधि, क्वेश्चन बन सकता है कि राजा भोज ने अपने किस दरबारी को विद्यापति की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी, भास्कर भट्ट को दी थी। दामोदर मिश्र, दामोदर मिश्र, और इनकी रचना है हनुमान नाटक, हनुमान नाटक दामोदर मिश्र की रचना है, हनुमान नाटक। लीलावती का नाम हमने पहले ही बता दिया। स्वयं भी एक अच्छे रचनाकार, इनकी किताबें भी बहुत प्रसिद्ध है, वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे राजा भोज, वास्तुशास्त्र के। धार में संस्कृत के पठन पाठन के लिए संस्कृत विद्यालय बनवाया, संस्कृत विद्यालय बनवाया, भोजशाला बनवाई, भोजशाला बनवाई, वह वाक देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, कहां पर किया ये सब कुछ, धार जिले में, किसने किया, राजा भोज ने। क्या सबसे पहले तो संस्कृत विद्यालय, विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए भोजशाला, भोजशाला, और विद्या की देवी कौन सी है, सरस्वती, तो वाक देवी की प्राण प्रतिष्ठा की इन्होंने, वाक देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। कहां पर किया ये सब कुछ, इनकी रचनाएं देखे, मतलब राजा भोज की रचनाएं, तो सरस्वती, कंठाभरणम, सरस्वती कंठाभरणम, सरस्वती कंठाभरणम, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, विद्या विनोद, विद्या विनोद, और क्या है अमरदीप, चारु चर्चा, चारु चर्चा, तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश, चारु चर्चा, तत्व प्रकाश, चंपू रामायण, चंपू रामायण, राजा मार्तंड, राजा मार्तंड, युक्त कल्पत्रु, युक्त कल्पत्रु, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, एक ही जो काफी है, सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार, ये सम्रांगण सूत्रधार क्या है, वास्तुकला की पुस्तक, वास्तुकला की पुस्तक, वास्तुकला की पुस्तक।
एक सरल सा क्वेश्चन, प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहां पर है? इसे फड़के स्टूडियो पूछा गया क्वेश्चन, कहां पर है ये? धर्म फड़के स्टूडियो। इसी प्रकार क्वेश्चन है, प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहां पर है? तो ये ग्वालियर में है, ग्वालियर में है, और जहां पर वाग देवी की नई प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित की गई है। प्रभाकर मूर्ति फोटो स्टूडियो। अब निर्माण कार्य देखते हैं इनकी रचनाओं के बाद में। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में मैंने बता दिया अभी क्या क्या बसा है इन्होंने। भूज सर, जिसे भूज ताल कहेंगे, भूज ताल। दूसरा भोजपुर, भोजपुर। तो सबसे पहले हम भोजपुर की बात करते हैं। भोजपुर मंदिर कहाँ पर है, किस जिले में है? योगेश जी, भोजपुर रायसेन जिले में है। क्या बोला जाता है इसे? मध्य प्रदेश का सोमनाथ, पूर्व का सोमनाथ। क्या बोला जाता है इसे? पूर्व का सोमनाथ, पूर्व का सोमनाथ इसे बोला जाता है, या मध्य भारत का सोमनाथ। पूर्व का नहीं, मध्य भारत का सोमनाथ। किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर, मध्य भारत का सोमनाथ। यहां पर जो शिवलिंग है इसकी ऊंचाई कितनी है? शिवलिंग की ऊंचाई सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है ना इसे, 18 फीट। इसकी जो ऊंचाई है 18 फीट या 5.5 मीटर, 18 फीट या 5.5 मीटर, और इसका जो व्यास है मतलब जो गोलाई है वह 7.5 फीट या 2.3 मीटर। और यहीं पर इन्होंने एक साइक्लोपियन बांध, एक विशाल बांध बनाया है भोजपुर में बेतवा नदी पर, और बाद में उसे किसी ने तुड़वा दिया था। इन्होंने बनाया, किसी ने तुड़वा दिया। दोनों नाम याद रखना है, बनाया किसने था साइक्लोपियन बांध? भोज ने। कहां बनवाया था? भोजपुर में, भोजपुर में ही बनवाया था, जहां पर उसने ये मंदिर बनाया है। लेकिन हुशंग शाह ने इसे नष्ट कर दिया, हुशंग शाह ने नष्ट कर दिया। ये जो भोजपुर जो नगर बसाया था उसने, भोजपुर का मंदिर बनाया था, उसकी जो आकृति है वो भी प्राकृतिक ओम की आकृति बनाया है, ओम की आकृति में बनाया है, ओम की आकृति में बनाया है। फिर भूस्थल भोपाल, भोपाल में भूस्थल इसने बनाया है। बड़ा तालाब जिसे कहते हैं ये किसने बनाया? राजा भोज। और भोपाल शहर भी इसी के नाम से है। धारा नगरी बता दिया हमने, धारा नगरी इनके द्वारा बताएगी, ठीक है। अब हम अगले शासकों की बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके बाद में जो शासक बने हैं, जयसिंह प्रथम, दो दो लाइन में पढ़ लेते हैं। जयसिंह प्रथम, राजा भोज का उत्तराधिकारी, लक्ष्मीकर्ण और चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने मिलकर युद्ध किया।
जिनमें इनकी इनकी हत्या कर दी गई। अन्य शासकों में देखें तो उदयादित्य, एक लाइन में लिख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, उदयादित्य, सुभट्ट वर्मा, अर्जुन वर्मा, अर्जुन वर्मा, अर्जुन वर्मा। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरे? हेलो, हाँ ठीक। अर्जुन वर्मा, देवपाल, महलक देव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महलक देव, महलक देव क्वेश्चन। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। मालवा को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बुंदेलखंड, वो खजुराहो वाला है, तालिंजर वाला है, या हम मालवा की बात कर रहे हैं। तो अंतिम शासक मालकदेव, और इसके समय में किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1305 में। तो अंतिम शासक लिखेंगे मालकदेव। 1305 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक मालकदेव पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में इसे मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब यह एक और क्वेश्चन है, क्या अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया होगा लड़ने के लिए? वो तो अभियान चलाते थे और किसी को भी अपने सेनापतियों को भेज देते थे, तो किसको भेजा था? आइन उल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति आइन उल मुल्क को भेजा था। आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क। तो मालवा के परमार वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज 998 ईस्वी में किसकी मृत्यु? वाक्पति मुंज, यही पढ़ा अपन ने। और उसके बाद में 998 सिंधुराज, दो वर्ष तक सिंधुराज और दोनों की हत्या हुई है, और उसके बाद में राजा भोज शासक बना 1000 ईस्वी में, और बहुत महत्वपूर्ण शासक, बहुत सारे युद्ध लड़े इसने। कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया, धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर जो है भोजपुर में इन्होंने एक विशाल बांध बनवाया था। इसके बाद में देखा कि गांगे नरेश, चालुक्य नरेश तैलक को इसने पराजित किया, फिर उन्होंने एक संघ बनाया और इनको पराजित कर दिया और घायल हुए और इनकी 1055 में मृत्यु हो गई। तो ये युद्ध अभियान अलग है, लेकिन इनका जो निर्माण कार्य है या जो लेखन कार्य है, उनके कारण ये बरसों तक याद किए गए। आईने अकबरी में भी इनका उल्लेख मिलता है कि इसके दरबार में लगभग 500 विद्वान हुआ करते थे। तो उसमें हमने पढ़ा, एक तो इनकी पत्नी थी लीलावती, फिर भास्कर भट्ट जिसे विद्यापति की उपाधि दी गई थी, धनपाल जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, दामोदर मिश्र जो हनुमन्नाटक इनकी रचना थी, स्वयं भी एक कवि थे, और इन्होंने सरस्वती कंठाभरणम, श्रृंगार मंजरी, विद्या विनोद, युक्त कल्पत्रु, सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार काय की बुक है ये? वास्तुकला की, वास्तुकला की बुक है। भोजपुर मंदिर बना है, बेतवा नदी के किनारे है, मध्य भारत का सोमनाथ
इसे कहा जाता है जिसे राजा भुज ने बनाया था। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 18 फीट और मीटर में कितना 5.5 मीटर, व्यास कितना बताया इसका 7.5 फीट, 2.5, 2.3 मीटर, 2.3 मीटर। अब हम पढ़ेंगे कलचूरी वंश, इसी के समय का कलचूरी वंश। और कलचूरी वंश हमने पढ़ा कि कलचूरी कहाँ के, त्रिपुरी के, और परमाणु से इनका लंबा संघर्ष चला। इसमें गांगे देव पढ़ा हमने, लक्ष्मी कर्ण पढ़ा, ये सब हम इसी के साथ में पढ़ेंगे। तो इसकी दो शाखाएं थी कलचूरी वंश की, कलचूरी वंश की दो शाखाएं कौन कौन सी, ऑनलाइन वाले कोई बता दे यदि किसी को थोड़ा बहुत भी पता हो तो। कलचूरी वंश की दो शाखाएं, माहिष्मती बहुत बढ़िया, और दूसरा त्रिपुरी है, माहिष्मती और त्रिपुरी, दो जगह इनकी अलग अलग शाखाएं थी। एक कलचूरी वंश हम पढ़ रहे हैं, कलचूरी वंश, एक माहिष्मती और दूसरा त्रिपुरी, दोनों जगह हमें पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माहिष्मती की, तो 248 ईस्वी में स्थापित, 248 ईस्वी में स्थापित है कलचूरियों का पुराणों में उल्लेख, पुराणों में उल्लेख मिलता है वंश का। और इसके संस्थापक थे, इस वंश के संस्थापक कृष्णराज। ये क्वेश्चन बनेगा, इधर त्रिपुरी में कोकल पढ़ेंगे हम, और यहां पर कौन सा, कृष्णराज, कृष्णराज 500 से 575 ईस्वी तक शासक, 500 से 575 ईस्वी तक शासक, राजधानी इसकी माहिष्मती, वैसे इसकी स्थापना तो हमने 248 में बताया था है कलचूरियों के द्वारा, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन इसका, कृष्णराज, वास्तविक संस्थापक कृष्णराज। इसके जो सिक्के हैं वो चांदी के बने हुए थे, मुद्रा जो थी वो चांदी की, और इसके ऊपर नंदी की आकृति, नंदी की आकृति, ये क्वेश्चन बनता है, नंदी की आकृति, नंदी की आकृति युक्त सिक्के कहाँ कहाँ मिले, आपके यहां मिले हैं, मतलब बैतूल, अमरावती, नासिक, जबलपुर से प्राप्त हुए हैं, जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद शंकरगण अगला शासक, कृष्णराज के बाद में शंकरगण, शंकरगण, और 576 से 600 ईस्वी तक शासन किया इसने। नासिक से इसके ताम्रपत्र और सिक्के प्राप्त हुए हैं, नासिक से ताम्रपत्र और सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद में एक शासक मिलता है बुद्धराज, बुद्धराज, बुद्धराज 600 ईस्वी के लगभग चालुक्य के नरेश मंगलेश ने इसे पराजित कर
माहिष्मती पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। शासन क्षेत्र कौन सा होगा इसका? माहिष्मती की बात कर रहे हैं तो किस क्षेत्र में शासन क्या होगा? खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र में, बड़वानी वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। ये जो शंकर देव है या शंकर गण जिसे हमने बताया, इसने कलचूरी संवत प्रारंभ किया था। कलचूरी संवत प्रारंभ किया था, कलचूरी संवत प्रारंभ किया था। अब हम बात करेंगे त्रिपुरी शाखा, त्रिपुरी शाखा, त्रिपुरी शाखा। एक डाभार पढ़ा था हमने कभी, डाभार क्या था? ये डाभार समुद्रगुप्त के 18 राज्यों में से इसकी राजधानी शिवपुरी। हाँ, जिसकी राजधानी शिवपुरी थी। तो कलचूरी शासक की यदि हम बात करें तो ये गोमती नदी से नर्मदा नदी तक, कलचूरी शासक कहां से कहां तक? गोमती नदी से नर्मदा नदी तक। और राजधानी क्या है इसकी? त्रिपुरी, त्रिपुरी। और वर्तमान में क्या बोला जाता है इसे? जबलपुर शहर। किस नदी के तट पर होगा त्रिपुरी? नर्मदा नदी के तट पर। संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक अभी बताया था मैंने, कोक्कर। संस्थापक कौन? कोक्कर, कोक्कर। 850 से 890 तक इसने शासन किया, शासन किया। कोक्कल का विवाह चंदेल शासक की पुत्री राजकुमारी हट्टा से हुआ। इसके बाद गांगे देव गांगे देव राजा भोज से युद्ध में पराजित हुआ था। हाँ जी, हाँ हाँ, राजकुमारी हट्टा। मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना था इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था। हट्टा, राजकुमारी हट्टा। इसके बाद क्या बताया मैंने? गांगेदेव जो राजा भोज से युद्ध में पराजित हुआ था, युद्ध में पराजित हुआ था। इसके बाद राजा कर्ण, राजा कर्ण क्या बोला जाता है इसे? लक्ष्मी कर्ण, लक्ष्मी कर्ण, लक्ष्मी कर्ण। लक्ष्मी कर्ण जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। कोई ये ना सोचे कि महाभारत के कर्ण से इसका संबंध है, नहीं, ये कलचूरी शासक लक्ष्मी कर्ण की बात कर रहे हैं। ये जो कर्ण मंदिर इसी संबंध है। कलिंग पर विजय प्राप्त कर, कलिंग किसे कहते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा है। कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिक सिंगापति, कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिक
सिंगापति की उपाधि धारण की, त्रिक सिंगापति की उपाधि धारण की। कल हमने राजशेखर के बारे में पढ़ा था, पढ़ा था ना, राजशेखर किसके दरबार में थे? राजशेखर विद्याधर वो चंदेल शासक थे, और शुरू में लक्ष्मीकांत का बताया था मैं, कलचुरी शासक के अधीन भी थे। तो राजशेखर के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, तो राजशेखर की रचनाएं भी पढ़ ली अपन ने, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये सब जो है इसके दरबार में, लक्ष्मीकांत के दरबार में था राजशेखर। और लक्ष्मीकांत ने इसे क्या बोला था, युवराज प्रथा, सॉरी राजशेखर ने लक्ष्मीकांत को युवराज प्रथम व उज्जैनी भुजंग व मालवा का विजेता कहा था। राजशेखर ने क्या क्या कहा, युवराज प्रथम, उज्जैनी भुजंग और मालवा का विजेता, मालवा का विजेता कहा था। ये कलचुरी वंश की दो शाखाएं मध्य प्रदेश में थी, माहिष्मती और त्रिपुरी। वैसे कलचुरी वंश की एक और शाखा का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका मध्य प्रदेश में उल्लेख नहीं है, वो थी रतनपुर शाखा। यदि तीसरी शाखा यदि हम देखें तो रतनपुर शाखा और ये मिलेगी कोरबा कहाँ पर, छत्तीसगढ़। और कोई मतलब नहीं है उतना, कोई स्थायी उनका शासन भी नहीं रहा है। तो आज हमने चंदेल वंश, मालवा के परमार वंश और कलचुरी वंश, पूज्य प्रतिहार वंश, ये लगभग हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद में अब आगे हमें पढ़ने की जरूरत है दिल्ली सल्तनत से संबंधित, मुस्लिम शासन हम पढ़ेंगे। एक पार्ट छूट गया हमारा, कच्छप घात वंश, उसे चलते चलते पहली फुर्सत में कल हम पढ़ लेंगे। और बाकी मुस्लिम वंश पढ़ना है हमें, कि मालवा में मुस्लिम या दिल्ली सल्तनत का कैसे अधिकार हुआ, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें।